गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम 50 सवाल हिस्ट्री से करवा रहे हैं और 350 सवाल जो है बिहार से संबंधित सवाल हो चुके हैं। ये सीरीज का 11वां सीरीज है, पार्ट 11 है। इसमें हम इस सीरीज में देखेंगे 50 सवाल हिस्ट्री से, इतिहास से। ये बहुत ही कॉम्पिटिशन के इम्पोर्टेंट हैं और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट रहने के कारण जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है ये परीक्षा में आने की संभावना बढ़ जाता है। तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। दस कुमार चरितम किसने लिखा? दांडी ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा आंसर। तो इस तरह से इसका जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, आपको दिमाग में रखना है। तो दस कुमार चरितम का लेखक जो है ये दांडी है। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं, कुमार संभव के लेखक कौन है? तो कुमार संभव के लेखक जो है कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो कुमार संभव के लेखक जो है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी वाला सही लगाना है। और इससे कुछ संबंधित जो हैं पुस्तक भी हैं, यानी कालिदास के अन्य पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसका भी परीक्षा में आते रहता है। इसकी हम बात करें कालिदास के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार और मालिका अग्निमित्रम और विक्रमोश्रियम मेघदूतम, ये सारे जो पुस्तक हैं कालिदास के हैं। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? ये ऑप्शन ध्यान देना है, नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए उत्तर रामचरित्र जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो उत्तर रामचरित्र कौन लिखे हैं? तो भवभूति, ये भी आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे की ओर बात कर रहे हैं, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? कलहन जो लेखक हैं, तो कलहन जो है ये पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी। जो कलहन जो लिखे हैं पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर से संबंधित जो है इसके वर्णन मिलते हैं। सवाल आगे, स्वप्ने वासदाता के लेखक कौन है? तो स्वप्ने वासदाता के लेखक जो हैं वो भास हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आंसर होगा। भास जो है ये साहित्यिक लेखक का नाम है, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो इस तरह से इसका जो है ये ऑप्शन दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किस देश से था? तो ये जावा सुमात्रा से था। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि हमारा जो देश, तो सवाल नंबर आगे देखिए, ताम्र पत्र के बाद हो गया, स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल के 5 गौ दान के लिए प्रार्थना किया? तो बाघ पुत्र देव, इसने जो है 5 गौ को देव के लिए प्रार्थना किया। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्र बताए हैं, इसका ऑप्शन 4 वाला होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो चंद्र बताए है। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र बताए का जो है वो पृथ्वीराज रासो से लगाव है। सवाल आगे, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ये ऑप्शन थोड़ा देखिए, पिछल का सवाल पृथ्वीराज हो, यहाँ पृथ्वीराज विजय है, तो इसकी लेखक जो है ये आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे, अदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो अदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अदंतपुरी। सवाल आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। तो इसका ऑप्शन 1 वाला सही होगा। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बहुत ही चर्चित है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा शख्स प्रसिद्ध है? उस व्यक्ति का नाम जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो सुल्तान जैनुल अबादीन का। सुल्तान जैनुल अबादीन जो है इसका कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश, तो इसका संस्थापक जो है नान्या देव है, इसका आंसर जो है ए वाला सही होगा। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है ये नान्या देव है, आपको दिमाग में रखना है। ऑप्शन 1 वाला सही होगा। तो ये ऑप्शन आपको ए दिमाग में रखना है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था हरिशीता। ऑप्शन 1 वाला सही है। कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था हरिशीता, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। सवाल आगे, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसका प्रथम अख्ता नियुक्त किया था? अख्ता नियुक्त किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर 1 था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था,
तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्त नियुक्त किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर एक। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको दिमाग में रखना है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर थ्री वाला सही होगा, तो आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस जो है वो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर एक वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो एक है ये सही है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वंस किया था, तोड़फोड़ किया था बख्तियार खिलजी ने, तो इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका ऑप्शन नंबर एक वाला सही होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका ऑप्शन जो है एक वाला सही होगा, और आपको यही दिमाग में रखना है। अब सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और सवाल अगला स्क्रीन पर देख रहे हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किया है तो ये मस्जिद बना हुआ है। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था, तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद बनाया गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन एक वाला सही होगा। अब आगे हम सवाल की बात कर रहे हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो हो गया, इसका ऑप्शन ए वाला था। अब सवाल आगे देखिए स्क्रीन पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, ये चार ऑप्शन आपको देखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है ये दिल्ली, आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से जो है ये आपको अच्छे से थोड़ा कमेंट करके सेक्शन में बताइए कि कहाँ थे। सवाल आगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो इसका आंसर जो है मालिक जानी को, ये ऑप्शन नंबर थ्री सही होगा, मालिक जानी। सवाल आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो इसका आंसर है बलबन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो ये बलबन हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। सवाल आगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसके मंगोल के विरोध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त हुई, तो जफर खां को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए, तो जफर खां, ऑप्शन ए नंबर एक वाला होगा। रानी पद्मिनी जो है के पति का क्या नाम था, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर थ्री वाला सही होगा। तो आपको यह दिमाग में रखना है। और सवाल आगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो इसका शासक जो रामचंद्र देव था, ऑप्शन नंबर एक वाला सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। सवाल आगे, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित थी, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, किस सुल्तान जो है ये जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में वसूलता था, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने फसल जो है जमीन के फसल में नपाई का आधा राजस्व वसूलता था, अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर आगे, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर एक वाला सही होगा। तो ये आप देख लिए कि ऑप्शन नंबर एक सही है। सवाल आगे, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जब उसने राजत प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों का आदेशानुसार पूर्णतः स्वतंत्र था, वर्णी यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, तो मोहम्मद बिन तिमनी के लिए। ये जो कथन कहा वर्णी किसी लिए कहा, मोहम्मद बिन तिमनी के लिए, ऑप्शन डी वाला सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित अन्य बिंदु देख लिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का संतलन सर्वाधिक विद्वान शासक था, खगोल शासक था, गणितज्ञ था, अर्ज विज्ञान था, सहित अनेक विद्वान था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने पृथ्वी कृषि का विभाग का नाम दीवान ए खरीब रखा। तो इस तरह से आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसने पृथ्वी कृषि विभाग जी को दीवान ए कोही का नाम रखा।
और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मुहम्मद मितुला के शासनकाल में 1333 से 1347 के मध्य भारत में आया था और उस मुहम्मद मितुला के दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मुहम्मद मितुला की मृत्यु का एक बदानी ने कहा था कि राजा के प्रजा और प्रजा के राजा के लिए मुक्ति के मिला है। तो इस तरह से जो है ये इससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्रे, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया? नालंदा में। तो आपको दिमाग में रखना है यूसुफ शाह चक्र का, यूसुफ शाह जो चक्र था उसका कहाँ अपनाया गया, तो कहाँ दफनाया गया? नालंदा में। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया? तो इसकी जो है आंसर होगा बी वाला, फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन सही, फिरोज शाह तुगलक है। यह शासक था बेरोजगारों के लिए रोजगार का जो है योजन किया। सवाल आगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे ज्यादा जो थे ये अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। तो फिरोज शाह तुगलक के शासन में जो है वो सबसे ज्यादा उसके दरबार में गुलाम थे, तो ये इसलिए जो है प्रसिद्ध भी है। सवाल आगे हम पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अन्य जानकारी ले लेते हैं। फिरोज तुगलक ने रोजगार कार्यालय को खोलकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया। इसने सर्वप्रथम सिंचाई का कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और फल की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ये सारे जो है कार्य है ये सराहनीय थे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए और ये रोजगार जो है खत्म किया। इसने सर्वप्रथम सिंचाई का कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, टोपरा और मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली मंगवाया, इसे खैराती अस्पताल दौर सफा की स्थापना की और अनुवाद विभाग की स्थापना किया, राज के खर्चे पर हज की व्यवस्था की। इसने खैराती अस्पताल दौर दरौल सफा की स्थापना की, ये दिमाग में रखना, दरौल सफा की स्थापना की, ये खैराती अस्पताल था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से भी निकल रहे हैं, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई? तो दिल्ली के सुल्तान ने जो है सबसे ज्यादा किसने नहर बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगार किसने दिलाया? तो ये आपको दिमाग में इसी को रखना है। और सबसे ज्यादा नहरें भी किसने बनवाए? तो दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहर बनवाई? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। तो इस तरह से जो है ये फिरोज शाह तुगलक जो है अपने इतिहास में बहुत ही काम किया है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है ये सबसे ज्यादा नहर का जो है खुदवाई जो है ये बनवाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है उपाय कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा, 3 वाला सही होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में यह भी सवाल रखना है कि फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? तो एक जो है खैराती अस्पताल है। दरौल उल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है निर्मित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। सवाल आगे बात कर रहे हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। तैमूर जो है 1398 में आक्रमण किया था और उसके बाद किस राज का स्थापित हुआ? सैयद वंश का हुआ। ये ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। सवाल आगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। ये बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत ही बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। इसका ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन 1 वाला सही होगा। आपको कम्प्लीटली दिमाग में रखना है, ये बहुत बार सवाल जो है ये बहुत ही बार जो है आ चुके हैं। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, विजयनगर राज की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज की स्थापना किसने की, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राज की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। विजयनगर के उससे पहले शासक का नाम क्या था जिसने बहमनी को गोवा छीना? विजयनगर के उससे पहले शासक का क्या नाम था जिसने बहमनी से गोवा छीना? तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने जो है बहमनी से गोवा को छीन लिया, यानी बहमनी से गोवा राज्य है छीन लिया और अपना अधिकार किया। तो ये इसका नाम है हरिहर बुक्का। आगे सवाल करते हैं, द्वितीय था।
आप मरागे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो यह है कुर्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा। विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किसके साथ लड़ा? तो ये ऑप्शन नंबर एक वाला सही है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के किस राजा का शासन काल में आया? देवराज द्वितीय। याद रखना है, अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के किस शासन काल में आया? देवराज द्वितीय के काल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक तो देवराज द्वितीय के काल में आया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये भी कन्फ्यूजन करता है, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। तो सवाल आगे की बात कर रहे हैं, सन जो है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो तालीकोट का युद्ध। सन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध। ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ये आपको दिमाग में रखना है, ये प्रसिद्ध युद्ध है। तो इस तरह से आपको ये भी आपको कंपलसरी दिमाग में रखना है, ताकि आपका ऑप्शन सही से सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स आवे। आप सवाल आगे की इंतजार कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका सवाल ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर आगे की ओर, तो यह स्क्रीन पर आने वाला है, आप ये देखिए। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, ऑप्शन बी वाला सही है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व। सवाल आगे, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद का लगने वाला कर नहीं है? तो भूमि उत्पाद का कर वाला नहीं है, खाम नहीं लगने वाला है। भूमि के ऊपर कौन सा कर नहीं लगता? खाम। बाकी जितना है भूमि पर लगता है। तो भूमि पर नहीं लगने वाला कर कौन सा है? खाम है। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं, खाम हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। तो इस तरह से जो है ये 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला सवाल के हम बात कर रहे हैं, जवाबित का संबंध किससे है? राजकानून से। जवाबित का संबंध किससे है? राजकानून से है, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। जवाबित का संबंध किससे है? तो कानून से है, राजकानून से है, ऑप्शन 1 वाला सही होगा। सवाल आगे, सल्तनत काल के सिक्के का ससन गनी तथा जीतल किन धातु से बने होते थे? चांदी और तांबा के। ससगनी और जीतल किसके बने होते थे? चांदी और तांबा के। ससन गनी और जीतल किसके धातु के बने होते थे? तो चांदी और तांबा के। ये आपका 49 सवाल हो गया है। एट लास्ट सवाल की बात कर रहे हैं, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में था, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। इस तरह से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसमें आपको जो है बीपीएससी टीचर के संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी तैयारी के लिए अच्छे फैकल्टी है, और एक हमारी टीम है, वो सारी टीम जो है इस पर वर्क करेगी। इस चैनल को